दोस्तों, क्या आपकी YouTube की पहली पेमेंट आने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी कि नहीं। आपको पेमेंट पाने के लिए बैंक में जाना होगा या बैंक में कोई फॉर्म फिलअप करना होगा, या आपके एडसेंस में जो डॉलर दिख रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा कि नहीं, आपकी पेमेंट आपको कितने तारीख को मिलेगी, तो इन सभी सवालों को लेकर दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सारी चीजें टेक्निकल हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बारीकी से समझिए। दोस्तों, जब 21 तारीख हर महीने की 21 तारीख आती है तो हमको अक्सर लोग इंस्टा पर डीएम करने लगते हैं कि सर, हमारी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, प्लीज हमको बताइए कि हमारी पेमेंट हमको कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम यूट्यूब पर मेहनत करते हैं 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद जब हम अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो सबसे बड़ा इंतजार जो रहता है वो फर्स्ट पेमेंट को लेकर रहता है। और जब फर्स्ट पेमेंट हमारी $100 एडसेंस में हो जाती है तो वो एडसेंस जो है हमको हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो फर्स्ट पेमेंट जब आने वाली रहती है तो हमको काफी ज्यादा खुशी रहती है कि अब हमारी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जो डीएम आते हैं मैं उस पर काफी ज्यादा रिसर्च करता हूं, तो मैक्सिमम जो लोग भी डीएम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह रहता है कि उनकी पेमेंट होल्ड हो जा रही है या उनको अभी रिसेंट पेमेंट का ईमेल नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी एडसेंस से पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है तो हमको जो एडसेंस की तरफ से एक ईमेल भेजा जाता है 21 या 22 तारीख को। यह ईमेल जो है सभी यूट्यूबर को मिलता है जिनकी पेमेंट एडसेंस से उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। तो यह ईमेल जो है दोस्तों चेक योर रिसेंट पेमेंट का होता है। यह कंफर्मेशन ईमेल रहता है कि एडसेंस ने जो है आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दिया है। तो अगर ये ईमेल आपको मिल जाता है तो आपको निश्चिंत हो जाना है। अब आपको वेट करना है कि आपकी पेमेंट आपको कब आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों, कई लोग जो है वेट करते हैं और एडसेंस भी कहता है कि आपको कम से कम 5 दिन तक तो वेट करना ही है, 5 बिजनेस डेज जो है आपको वेट करना होता है। दोस्तों, जिस दिन से ये ईमेल आपको मिलता है उस दिन से 5 दिन तक आपको वेट करना होता है और आपकी पेमेंट जो है उन्हीं 5 दिनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों ने शिकायत किया कि हमारी पेमेंट होल्ड हो गई है, क्या रीजन है, प्लीज इसका सोल्यूशन बताइए। तो दोस्तों, पेमेंट होल्ड होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपको ये ईमेल आ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि YouTube और AdSense ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने जो है पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया है। अब पेमेंट दोस्तों होल्ड कहां पे होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 बैंक से होकर पेमेंट हमारे पास आती है। सबसे पहले स्विफ्ट कोड वाला बैंक होता है, उसके बाद जो है IFSC कोड वाला बैंक होता है। मतलब पहले इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है स्विफ्ट कोड वाले बैंक में, उसके बाद वहां से ट्रांजेक्शन होता है हमारे IFSC कोड वाले ब्रांच में जो कि हमारा लोकल बैंक होता है, लोकल ब्रांच होता है। तो दोस्तों, अगर हम अपनी जो है पेमेंट डिटेल्स एडसेंस में गलत या मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिए रहते हैं तो हमारी पेमेंट होल्ड हो सकती है। कई बार दोस्तों हम जो है पेमेंट डिटेल जो है मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी एडसेंस की पेमेंट जब भी हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है तो वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो पेमेंट रिटर्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपने जो है पेमेंट डिटेल्स में कोई भी गलती किया है तो आपकी पेमेंट जो है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से रिटर्न हो जाती है एडसेंस में। अब दोस्तों, ये पेमेंट जो है आपको नेक्स्ट मंथ जब पेमेंट आपकी भेजी जाएगी तो फिर से जो है जो आप पेमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उसी पर आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पेमेंट डिटेल सही भरा है, आपका नेम सही है, IFSC कोड सही है, आपका स्विफ्ट कोड सही है, बैंक का नेम सही है और साथ ही में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों, अगर आपकी पेमेंट लेट हो रही है तो आपको केवल वेट करना है। दोस्तों, कई बार जो है इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और एडसेंस भी कहता है कि कम से कम आपको 15 दिन वेट करना चाहिए, 15 दिन के बाद जो है कोई आपको एक्शन लेना चाहिए। अब दोस्तों, पेमेंट लेट होने का जो अगला रीजन है वो ये हो सकता है कि जिस बैंक का अकाउंट हमने यूज किया है उसका वर्किंग प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो है। दोस्तों, इंडिया में कई सारे ऐसे बैंक हैं जो कि काफ़ी स्लो तरीके से काम करते हैं, उनका जो है पेमेंट जब भी ट्रांजेक्शन कोई आता है तो उनका महीनों तक ट्रांजेक्शन पड़ा रहता है, होल्ड करके रखे रहते हैं, उसके बाद जो है एक एक करके जो है ट्रांजेक्शन बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी एडसेंस की पेमेंट को रिसीव करने के लिए हमेशा जो है आपको अच्छे बैंक का अकाउंट यूज करना चाहिए। जैसे मैं दोस्तों कि बहुत सारे अच्छे बैंक हैं, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर डीएम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अच्छे बैंक हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं नाम लूंगा तो सारे बैंक वाले चिढ़ जाएंगे कि मेरे बैंक को बुरा बता रहा है, इसके बैंक को अच्छा बता रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि कौन अच्छे बैंक है और कौन जो है थोड़ा स्लो बैंक है। तो इनमें से जो है आपको हमेशा एडसेंस की पेमेंट लेने के लिए
अच्छे बैंक का जो है अकाउंट यूज करना चाहिए ताकि आपकी पेमेंट इन द फ्यूचर में होल्ड ना हो। अब दोस्तों आपकी पेमेंट मान लीजिए कि आपने अच्छा बैंक का अकाउंट यूज किया लेकिन फिर भी आपका पेमेंट लेट हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको तो बैंक में पता कर लिया, बैंक की तरफ से अगर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है तो आपको 15 दिन तक वेट करना होता है। उसके बाद स्विफ्ट यूटीआर कोड का एक फॉर्म आता है एडसेंस की तरफ से, वो फिल करना होता है और उसके बाद जो है आपको एक ईमेल में कोड प्रोवाइड किया जाता है, वो बैंक में जाकर देना होता है। वो कोड जो है दोस्तों स्विफ्ट वाले बैंक में अगर आप देंगे तभी आपकी पेमेंट चेक हो पाएगी, क्योंकि लोकल ब्रांच में अगर आप देंगे तो भी आपकी पेमेंट वो नहीं चेक करते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद भी अगर आपकी पेमेंट होल्ड हुई है, आपके अकाउंट में नहीं आ रही है, तो अब आपको आखिरी उपाय अपनाना है कि आपको दोस्तों अपने बैंक के मैनेजर के पास जाना है, उनसे कहना है कि हम YouTube पर काम करते हैं और AdSense की तरफ से हमारी पेमेंट जो है इसी बैंक के अकाउंट पर भेजी गई है लेकिन वो हमारे अकाउंट में नहीं आई है, और उनसे चेक करने के लिए बोलना है। वो एक दो बार जो है आपकी बात को इग्नोर करेंगे तो उनसे जो है आपको कहना है थोड़ा सा फोर्सली कि आप प्लीज़ इसे चेक कीजिए, वरना आप इसको लिखित दे दीजिए, मैं इसके ऊपर ब्रांच में जाकर कॉन्टैक्ट करूँगा। तो ऐसा करने पर दोस्तों वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर वो हेल्प नहीं करते हैं तो आप उस बैंक के मेन ब्रांच में जा सकते हैं, और अगर आपका जो है स्विफ्ट कोड वाला ब्रांच जो है नज़दीक है तो आप वहां पर डायरेक्टली जाएंगे तो आपकी वहां पर हेल्प की जाएगी। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपका बैंक मैनेजर जो है वो चेक करेगा अगर आपकी पेमेंट कहीं पर होल्ड रहेगी, क्योंकि दोस्तों कई बार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है बैंक मैनेजर के अकाउंट पर की जाती है और वो जो है ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से हमारी पेमेंट होल्ड हो जाती है। तो बैंक मैनेजर से ये सारी बातें बताना है, अगर वो डिटेल्स में चेक करेगा तो आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और ट्रांजेक्शन हो जाएगा और आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक जब भी आप एडसेंस में यूज करें अच्छे बैंक का अकाउंट आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, वरना आपकी पेमेंट हर महीने होल्ड होती रहेगी, आपको लेट लेट पेमेंट मिलेगी। तो दोस्तों ये सारे तरीके अपनाने के बाद भी आपकी YouTube की पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आ रही है, वो कहीं फंसी पड़ी है, होल्ड हुई है, तो अब आप जो है परेशान होकर अगर बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं एडसेंस में तो वो कब करना चाहिए इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों कई लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे उनको एडसेंस की तरफ से चेक योर रिसेंट पेमेंट का मेल आता है वो 3-4 दिन वेट करते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट एडसेंस में चेंज कर देते हैं। दोस्तों कभी भी पेमेंट रिलीज होने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं करना है, आपको 15 दिन से अधिक वेट करना है, 20 दिन तक वेट करना है। अगर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती है तब जाकर आपको एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट आने वाली 20 तारीख से पहले चेंज करना है। मतलब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है और आप अपने एडसेंस में बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेमेंट रिलीज होने से पहले दोस्तों आपको एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट चेंज करना होता है। मतलब अगली पेमेंट आपको नेक्स्ट 21 तारीख को भेजी जाएगी आपके अकाउंट में, उससे पहले 20 तारीख से पहले ही दोस्तों आपको एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लेना है, ताकि एडसेंस जब आपकी अगली पेमेंट 21 तारीख को सेंड करें तो जो नया बैंक अकाउंट आपने लिंक किया है उसमें आपकी पेमेंट आए, और अगर आपकी पेमेंट रिटर्न हुई थी एडसेंस में तो वो भी नेक्स्ट मंथ के न्यू अकाउंट में आपके आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वेट करना है। अगर आपकी पेमेंट किसी कारणवश लेट होती है तो आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क कीजिए, वो आपकी पेमेंट रिलीज करवाने में हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं एडसेंस में तो नेक्स्ट पेमेंट आने से पहले ही आपको करना है, और अगर आपकी बैंक डिटेल्स कोई गलत है तो वो पेमेंट जो है रिटर्न हो जाएगी एडसेंस में, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको वेट करना है। और हाँ दोस्तों 21 तारीख को जब पेमेंट आती है तो कुछ दिन के बाद ही आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है, तुरंत चेंज नहीं करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में बहुत ही आसानी से आ जाएगी, और दोस्तों एडसेंस जो है आपकी पेमेंट वापस लेता है तो वो फिर नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में आपको भेजता है, वो पेमेंट कट नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।